जोमैटो एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन आज 16.5 बिलियन डॉलर्स की है, वो एक वक्त ऐसी सिचुएशन में थी जिसके पास केवल 6 महीने सर्वाइव करने लायक ही पैसे बचे थे। बिजनेस 90% तक ड्रॉप हो चुका था और इसका शेयर प्राइस 150 से 40 रुपए पर आ गया था। उधर चाइना के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट ने जोमैटो की कमर तोड़ दी, तो वहीं दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से इसे कई तरह के प्रॉब्लम्स हुए। जोमैटो की मुसीबतें तब और भी बढ़ जाती हैं जब इन्वेस्टर्स इस कंपनी से हाथ खींचना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कंपनी के नॉन स्टॉप लॉसेस के बाद इस पर हजारों तरह के मीम्स बने, क्योंकि जब से जोमैटो की शुरुआत हुई है तब से इसने प्रॉफिट का मुंह तक नहीं देखा है। लेकिन इस साल के क्वार्टर वन में जोमैटो ने पहली बार 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। पर सवाल ये उठता है कि जो कंपनी बंद होने के कगार पर आ चुकी थी, वो अचानक से इतनी प्रॉफिटेबल कैसे हो गई? कहीं ये कोई दिखावा तो नहीं? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जोमैटो की शुरुआत तो होती है साल 2008 में, लेकिन 2015 से पहले जोमैटो कोई फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म नहीं था, बल्कि एक फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था। ऐसे में मान लो कि आपको किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि किस रेस्टोरेंट से करें, तो आप इसे जोमैटो से चेक कर सकते थे। 2015 तक इस वेबसाइट पर 22 देशों के 1.4 मिलियन रेस्टोरेंट्स लिस्ट हो चुके थे, और इसी डीप नेटवर्क की वजह से जोमैटो ने फूड डिलीवरी सेक्टर में भी कदम रखा था। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन असली वजह कुछ और ही था। असल में दीपेंद्र गोयल ने ये आइडिया स्विगी से चुराया हुआ था। ऐसा मैं नहीं, बल्कि एक पॉडकास्ट में दीपेंद्र गोयल ने खुद कहा है। दरअसल 2014 में स्विगी ने जब अपना फूड डिलीवरी ऑपरेशन शुरू किया था, तो उस समय दीपेंद्र गोयल ने देखा कि स्विगी का सोच जोमैटो से कहीं ज्यादा आगे है। ये ना सिर्फ रेस्टोरेंट्स का इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, बल्कि डोर टू डोर फूड डिलीवरी का भी ऑप्शन दे रहा है। ऐसे में अगर किसी को खाना ऑर्डर करना होगा, तो जाहिर है कि वो कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं करने वाला कि वो जोमैटो पर जाकर पहले रेस्टोरेंट्स को सर्च करे और फिर उस रेस्टोरेंट को कॉल करके खाना ऑर्डर करे, बल्कि वो सीधे स्विगी पर जाकर बस एक क्लिक में खाना ऑर्डर कर देगा। और इसीलिए स्विगी के एक साल बाद यानी 2015 में जोमैटो ने फूड डिलीवरी सर्विस देना शुरू किया था। अपने ऑफर्स, डिस्काउंट्स और बेहतरीन मार्केटिंग की वजह से इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2016 में ग्लोबली 185 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, और इसके 2 साल बाद यानी 2018 में ही ये यूनिकॉर्न की लिस्ट में शामिल हो चुका था। जी हाँ, 2016 में इस कंपनी ने ग्लोबली 185 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था, लेकिन इसी साल जोमैटो को इंडिया में 247 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था, जो 2015 के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा था। यहाँ तक भी हम इसकी कंडीशन को इतना बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान इसके साथ जो हुआ उतना शायद दीपेंद्र गोयल ने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। असल में कोरोना के टाइम लोगों ने ऑनलाइन खाना मंगाना बंद कर दिया था, जिससे इस कंपनी के बिजनेस में 90% का ड्रॉप देखा गया, जिसके बाद जोमैटो के पास अब सर्वाइव करने के लिए केवल 6 महीने के ही पैसे बचे थे। मतलब अगर वो जल्द से जल्द फंड रेज नहीं करते, तो कंपनी को बंद करने की नौबत आ सकती थी। तभी उसी दौरान एक और प्रॉब्लम आन पड़ती है, और वो थी इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। अब आप सोचोगे कि जोमैटो का इससे क्या कनेक्शन है? तो जैसा कि हमने बताया कि उस दौरान जोमैटो को जल्द से जल्द फंड की जरूरत थी, और चाइना की आंट फाइनेंशियल, जिसने पहले से ही जोमैटो में इन्वेस्ट कर रखा था, वो दोबारा 150 मिलियन डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट करने की तैयारी में था। लेकिन तभी बॉर्डर क्लैश और कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने FDI रूल्स को टाइट कर दिया, यानी कि इसके बाद अगर किसी भी चाइनीज इन्वेस्टर को इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो इसके लिए उन्हें पहले इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। अब आंट फाइनेंशियल को लगा कि ये काम तो बहुत ही पेचीदा होने वाला है, इसलिए उसने जोमैटो में इन्वेस्ट करने से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इस समय दीपेंद्र गोयल की सारी उम्मीदें आंट फाइनेंशियल पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि कोविड की वजह से फंड रेज करना बहुत ही मुश्किल टास्क बन चुका था। आंट फाइनेंशियल के इनकार के बाद दीपेंद्र गोयल की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। इन्होंने थोड़ा और हाथ पैर मारा, लेकिन कहीं से भी पैसे ना मिलने की वजह से इन्होंने अपने बैकअप प्लान को इम्प्लीमेंट करने की सोची, जो था जोमैटो का IPO। और इस तरह से जुलाई 2021 में ये कंपनी अपना IPO लेकर आती है, जिसके बाद चीजें थोड़ी बेहतर होने लगी। COVID-19 का फर्स्ट वेव जाने के बाद अब जोमैटो को बड़ी संख्या में ऑर्डर्स मिलने लगे थे। कमाल की बात यह है कि इस दौरान जोमैटो का रेवेन्यू पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कोरोना के चलते लंबे समय तक लोगों ने बाहर का खाना नहीं खाया था। ऐसे में जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हुई और लोगों को फ्रीडम मिली, तो फिर बात ही अलग थी। जोमैटो ने ऐसी ग्रोथ देखी जैसा उसने पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन इस कंपनी को फायदा मिलने का ये सिर्फ इकलौती वजह नहीं थी, बल्कि इसका दूसरा रीजन था DoorDash। दोस्तों, DoorDash एक US बेस्ड ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है, जिसका 9 दिसंबर 2020 को IPO आया था।
हालांकि उस समय ये कंपनी भी लॉस में थी, पर जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई उस दिन इसका शेयर प्राइस 86% से बढ़ चुका था। इससे मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव आया और इंडियन इन्वेस्टर्स में भी एक कॉन्फिडेंस देखने को मिला कि जोमेटो एक प्रॉफिटेबल शेयर हो सकता है। इसलिए जब जोमेटो ने अपना IPO लॉन्च किया तो ये 38 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका था और पहले ही दिन इसके शेयर प्राइस में 65% का उछाल आया था। लेकिन ये ग्रोथ पानी के बुलबुले की तरह जल्द ही फूटने वाला था, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के जाते ही ये कंपनी अपने गोल्डन एरा से बाहर आ जाती है। इसके शेयर प्राइस लगातार नीचे गिरने लगे और लॉसेस आसमान छूने लगे, क्योंकि कोविड के बाद लोग जिस तरह से अग्रेसिवली खाना ऑर्डर कर रहे थे वो अब काफी कम हो चुका था। साथ ही इसका कॉम्पिटिटर स्विगी ने भी मार्केट को डिसरप्ट कर रखा था। अब ये सब तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे थे, तभी रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो जाता है। असल में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से स्टॉक मार्केट में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि कई फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से एग्जिट ले ली, जिसका सीधा इम्पैक्ट जोमेटो पर पड़ा। इसी खराब कंडीशन में जोमेटो ने अनाउंस किया कि वो एक क्विक कॉमर्स ब्लिंकिट को कम्प्लीटली एक्वायर करने जा रहा है, जिसका इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा विरोध किया और वो गुस्से में अपने शेयर्स को बेचने लग गए। सवाल ये उठता है कि सबको नाराज करके जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर क्यों किया, क्या कोई खास वजह थी? असल में जोमेटो एक लॉन्ग टर्म प्लान पर काम कर रहा था, क्योंकि क्विक कॉमर्स एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक एस्टिमेटेड वैल्यू $5.5 बिलियन हो जाने वाली है। ऐसे में ब्लिंकिट के पास ग्रो करने का काफी पोटेंशियल था, जिससे जोमेटो भी मोटा प्रॉफिट कमा सकता था। लेकिन ये प्लान जोमेटो के इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया, इसलिए टाइगर ग्लोबल और सिकोया जैसे वेंचर कैपिटल फर्म्स जोमेटो में मौजूद अपने आधे शेयर्स बेच दिए, जो मार्केट में अवेलेबल टोटल शेयर्स का 5% हिस्सा था, जिसका सीधा असर इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि कुछ समय बाद टाइगर ग्लोबल ने अपने बचे हुए सारे शेयर्स को भी बेच डाले। इसके बाद अलीपे ने 3290 करोड़ रुपए और सॉफ्टबैंक ने 1125 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। इस वजह से जोमेटो की कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि इसका शेयर प्राइस 150 रुपए से 40 रुपए पर आ चुका था और लोगों ने इस तरह के मीम्स बनाकर कंपनी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। उस दौरान कंपनी की मार्केट वैल्यू मात्र 6 महीने के अंदर 70% तक कम हो चुकी थी। इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जोमेटो एक बड़ा फैसला लेता है और 225 शहरों में अपने ऑपरेशंस को हमेशा के लिए बंद कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉसेस की वजह से इस कंपनी ने इतना बड़ा एक्शन लिया, या इसके पीछे भी कोई और वजह थी? इसको समझने के लिए पहले हम तीन मेजर मैट्रिक्स को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, जो किसी भी फूड डिलीवरी बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस में ला सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर है मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, यानी कि MTU। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स का मतलब वो लोग जो हर महीने जोमेटो पर पैसे खर्च करते हैं, और इन यूजर्स की संख्या इस साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% तक इंक्रीज हुई है। सेकेंड है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, यानी AOV। किसी भी फूड डिलीवरी कंपनी का एवरेज ऑर्डर वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो आप 60 रुपए की पेस्ट्री खरीद रहे हो, जिसमें डिलीवरी पर्सन और रेस्टोरेंट्स का कमीशन भी शामिल है, और इससे जोमेटो को ना के बराबर प्रॉफिट होता है। वहीं अगर आप 1000 रुपए का केक ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी कॉस्ट तब भी सेम ही होगा और ज्यादा कमीशन की वजह से कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जोमेटो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू 398 रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 407 रुपए थे। अब मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल कर आता है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, यानी कि उस साल का टोटल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 213 बिलियन रुपीस था, जो 2023 में बढ़कर 263 बिलियन रुपीस हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 225 शहरों में अपने ऑपरेशंस को बंद करने के बाद भी इसका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ा कैसे? एक्चुअली जोमेटो के टोटल ऑर्डर वैल्यू का 45% पार्ट सिर्फ 5% यूजर्स की तरफ से ही आता है, यानी कि कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो मैक्सिमम सेल्स को जनरेट कर रहे हैं, जिन्हें पावर यूजर का नाम दिया गया है। और इसीलिए दीपेंद्र ने 225 शहरों से अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया, ताकि वो उन लोकेशंस पर ज्यादा फोकस कर सके जहां से कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट रिसीव होता है। इस फैसले के बाद जोमेटो ने अपनी 4% वर्कफोर्स, यानी कि 150 एम्प्लॉइज का ले ऑफ कर दिया था। साथ ही इसने अपना कमीशन 27% से बढ़ाकर 33% कर दिया था। इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने लगा और लॉसेस कम होने लगे। 2023 के क्वार्टर 3 में जहां इसके लॉसेस 347 करोड़ रुपए थे, 2024 के क्वार्टर 1 में इसने पहली बार 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। और शुरू से एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए सिर्फ 2 क्वार्टर में इतना बड़ा बदलाव बेहद ही हैरान करने वाला था। इसके अलावा जोमेटो का हाइपर प्योर, जो किचन सप्लाईज का एक B2B प्लेटफॉर्म है और होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड केटरर्स को फ्रेश मीट,
फ्रूट्स और वेजिटेबल डिलीवर करता है। उसने भी इस कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने में काफी अहम रोल निभाया है, क्योंकि यहाँ से जोमेटो का 25.5% रेवेन्यू जनरेट होता है। और हाइपर प्योर की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कंपनी को हर एक ऑर्डर से प्रॉफिट होता है। हाइपर प्योर बीच के सारे मिडिलमैन को निकालकर डायरेक्ट फार्मर से चीजों को लेकर रेस्टोरेंट्स तक पहुंचाता है, जिसके चलते उसे सस्ते रेट पर सामान मिल जाता है और रेस्टोरेंट्स को भी ताजी फल और सब्जियां मिल जाती हैं। आपको बता दें कि हाइपर प्योर का एवरेज ऑर्डर वैल्यू आज 1500 रुपए है, और कमाल की बात ये है कि इसमें कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 10-12% के बीच है। वही बात करें ब्लिंकिट की तो ये तो जोमेटो की तरह बदनाम है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां इसके लॉसेस 996 करोड़ रुपए थे, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 178 करोड़ रुपए हो गए हैं। दोस्तों, ब्लिंकिट भी प्रॉफिट में तभी आ सकता है जब इसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो और ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो। इसके लिए जोमेटो ने एक ऐसा कदम उठा लिया जो काफी लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये था डिलीवरी बॉय की सैलरी को ही कम कर देना। पहले जहां ब्लिंकिट अपने डिलीवरी बॉय को 1 किलोमीटर की डिलीवरी पर 50 रुपए दिया करता था, उसे कम करके 15 रुपए कर दिया था। अब इससे कंपनी की कॉस्ट कटिंग तो हो गई, लेकिन इससे डिलीवरी बॉय को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि 15 से 20 किलो का सामान बाइक पर ले जाना, फिर सीढ़ियां चढ़ के कस्टमर्स के दरवाजे तक पहुंचाना, ये काफी मुश्किल काम है। लेकिन इससे कमाई क्या हुई? मात्र 15 रुपए। खैर, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि अपने इतने सारे एफर्ट्स की वजह से जोमेटो की कॉस्ट कटिंग तो हुई है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सका है। अब आप कहोगे कि अभी तो हमने कहा था कि उसने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो फिर क्या वो झूठ था? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के क्वार्टर वन में जोमेटो ने बिफोर टैक्स 15 करोड़ रुपए का लॉस रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसके पास पहले से ही 17 करोड़ रुपए का डिफर टैक्स अमाउंट था। कंपनीज अपनी कमाई पर जो टैक्स पे करती हैं और उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जितना टैक्स उन्हें लगना चाहिए, उसके डिफरेंस को डिफर टैक्स बोला जाता है। यानी कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसे टैक्स देना है 100 रुपए, लेकिन वो टैक्स पे कर देती है 110 रुपए। ऐसे में इनके बीच का गैप, जो 10 रुपए का बैलेंस है, वो डिफर्ड टैक्स के रूप में जमा हो जाता है। तो जोमेटो को जो 15 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, उस पर उन्होंने 17 करोड़ रुपए का डिफर्ड टैक्स अमाउंट अपने लॉस में ऐड कर लिया है। इसमें से 15 करोड़ रुपए लॉस रिकवरी में चला गया और बाकी के बचे 2 करोड़, जिससे ये कंपनी खुद को प्रॉफिटेबल दिखा रही है। लेकिन पर ऑर्डर प्रॉफिट के मामले में ये कंपनी अभी भी नुकसान में ही है। हालांकि अच्छी बात ये है कि आने वाले समय में जोमेटो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकती है, और अगर हम अभी तक का रिजल्ट देखें तो जोमेटो ने अपने लॉसेस को काफी हद तक कम कर दिया है। साथ ही इसके रेवेन्यू में 69% तक की ग्रोथ आई है, और सिर्फ इतने ही रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से सिर्फ एक साल के अंदर जोमेटो ने अपने इन्वेस्टर्स को 200% का रिटर्न देकर सभी को हैरानी में डाल दिया है।